हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पंपकिन फ्रूट फ्लाई। इट्स साइंटिफिक नेम इज डुकस कुकरबिटे। इट्स क्लास इंसेक्टा। इट बिलोंग्स टू ऑर्डर डाइपेटेरा एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ट्राइपिटिडी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान एंड जापान। And the host plant are pumpkin and watermelon. और इसके जो otherwise alternate host हैं, that is cucumber, tori, tomato, gourd, brinjal, papaya and guava etc. इसकी हमें life cycle नहीं करनी है। जबकि इस fly की अगर हम बात करते हैं तो इसकी morphology, external morphology जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो फ्लाई है, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट्स लेंथ इज 7 mm। इट्स बॉडी लेंथ इज 7 mm एंड इट इज 3 mm इन विड्थ। विड्थ कितनी है इसकी? दिस इज द विड्थ एंड दिस इज ओनली 3 mm एंड द विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। दीज आर द विंग्स एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड हैव ब्राउन बैंड्स। इनके अंदर जो है वो ब्राउन कलर के बैंड्स हैं। तो इससे इसको जो है अडल्ट फ्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में जो लार्वा है उसका नाम है मैकोट। दिस इज द लार्वा और इसका क्या नाम है? मैकोट। ये जो फ्लाई है, दीज आर द एग ऑफ दिस फ्लाई एंड आफ्टर इंक्यूबेशन दिस मैकोट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म्स प्यूपा and this is the adult fly. This is infected vegetable. इसमें जो main damage है, main damage is caused by adult fly. ये जो fly है इसका life span 2 to 5 months होता है। इस fly का life span जो है life span is 2 to 5 months। ठीक है। द फीमेल लिव्स लॉन्गर देन द मेल एंड द फ्लाइज आर एक्टिव जस्ट आफ्टर डस्क एंड द मीटिंग ऑल्सो ओकर आफ्टर डस्क टाइम एंड द लार्वा दैट इज मैकोट फीड ऑन द पल्प ऑफ द फ्रूट। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो कौन कॉज करता है? अडल्ट फ्लाइज एंड द मैकोट। एंड अडल्ट फ्लाइज एंड मैकोट फीड ऑन राइप फ्रूट्स एंड पॉल्यूट देयर पल्प। इफ इन्फेस्टेशन इज हैवी 50% ऑफ द फ्रूट आर डैमेज्ड। तो इतना ये नुकसान कर देते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए भी कंट्रोल मेजर्स हम यूज़ करते हैं। वो क्या हैं कंट्रोल मेजर्स? क्या रहेंगे इसके? नंबर 1, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट वैरायटी शुड बी ग्रोन। जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है शुड बी ग्रोन। देन इन्फेस्टेड फ्रूट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉय। इन्फेस्टेड जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इसमें क्या कर सकते हैं? 0.03% डाइमिथोएट शुड बी स्प्रे।
ठीक है, और बेट फॉर्म्ड बाय 20 ग्राम मेलाथियोन प्लस 50 ग्राम जगरी प्लस 200 ग्राम ईस्ट इन 20 लीटर ऑफ वाटर कैन कंट्रोल द फ्लाई। ठीक है, तो 20 लीटर वाटर यूज़ करके इसको जो है, जिसमें कि बीट बनाया जाता है, 20 ग्राम मेलाथियोन प्लस 500 ग्राम जगरी प्लस 200 ग्राम ईस्ट इन 20 लीटर ऑफ वाटर, तो इस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वेजिटेबल माइट। ये है वेजिटेबल माइट, इसका जो है साइंटिफिक नेम है ट्रेंकस टिलेरियस टेट्रानिकस टिलेरियस। इसमें क्लास है अरेकिनिडा, ऑर्डर अक्रीना, फैमिली टेट्रानी किडी एंड इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंडिया। होस्ट प्लांट की इसकी बात करते हैं, तो होस्ट प्लांट जो है मेनली इसकी लेडीज फिंगर, बंजल एंड बीन्स है। इसकी जनरल अपीरियंस जो है, दीज आर माइन्यूट पॉलीफेगस पेस्ट। पॉलीफेगस है, एक से ज़्यादा जो है वैरायटीज पे फीड करते हैं ये, इसलिए दीज आर नोन एज पॉलीफेगस। मल्टीपल जो स्पीसीज हैं उन पे फीड करते हैं। एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज पॉलीफेगस। प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लार्ज कॉलोनीज ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड दीज आर कवर्ड बाय फाइन सिल्क फाइबर एंड द मेल्स आर मोर एक्टिव देन द फीमेल। ये जो है फीमेल है, इनकी इसका मेल है, तो ये जो मेल हैं वो मोर एक्टिव होते हैं इसमें देन दैट ऑफ द फीमेल। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल में जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है दैट इज निम्फ। इंटरमीडिएट स्टेज इसकी कौन से होते हैं? निम्फ होती है। तो मेन डैमेज कौन कॉज कर रहा है? निम्फ एंड अडल्ट बोथ, निम्फ एंड अडल्ट बोथ डैमेज द क्रॉप्स वेजिटेबल्स। बोथ आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीव्स एंड आर कवर्ड बाय फाइन सिल्की बेड्स। इनके ऊपर वेब्स बने होते हैं, सिल्की वेब्स, जिससे कि ये जो है उसके अंदर रहते हैं। ड्यू टू देयर फीडिंग वाइट स्पैक मार्क अपीयर ऑन लीव्स द लीव्स आर डिसकलर्ड एंड यील्ड इज रिड्यूस्ड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल के लिए हम करेंगे लीव शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड एंड द इन्फेस्टेड क्रॉप शुड बी स्प्रेड बाई 0.1% मेबिप्रोस और 0.1% थियोनेटोन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा पेस्ट आता है दैट इज हडा बीटल। हडा बीटल जो है इसका साइंटिफिक नेम है एपिलेकाना विजेंसी ऑक्टोपंक्टीटा और इसकी क्लास इंसेक्ट है, ऑर्डर कॉलियोपटेरा है, फैमिली कोकी निलीडी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया है। होस्ट प्लांट की इसकी बात करते हैं, तो मेनली ये जो है सोलिनेसियस प्लांट इसके होस्ट हैं, लाइक ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कुकरबीट्स एक्सेट्रा। इसकी जो है एपिलेकाना पटेटा, इट इज़ कॉमनली नोन एज
Hardaviter. This Apilacena punctata is commonly known as Harda beetle. Okay? And this adult beetle is 8 mm in length. इसकी जो लेंथ है हडा बीटल की दैट इज 8 mm. ठीक है. एंड 5 to 6 mm इसकी विड्थ है. विड्थ किसकी है? 5 to 6 mm. एंड इट इज डीप रेड कलर्ड. रेड कलर का ये है इंसेक्ट एंड हैज 8 to 14 स्पोर्ट ऑन ईच एलिट्रॉन. इसके जो हैं ऊपर स्पोर्ट प्रेजेंट होते हैं एलिट्रॉन के ऊपर. ये जो है आपके सामने ये इस पे स्पोर्ट प्रेजेंट है. ठीक है. हैबिट्स क्या हैं? द बीटल्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स सो इन्फेस्ट वाइड एरिया. ये काफ़ी उड अच्छे से सकते हैं तो ये काफ़ी बड़े एरिए को इन्फेस्ट कर सकते हैं. एंड दीज आर पॉलीफेगस पेस्ट. ये भी पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको डैमेज करते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स को. एंड द बीटल हाइबरनेट्स ड्यूरिंग विंटर इन हीप्स ऑफ ड्राई प्लांट्स एंड इन मार्च टू अप्रैल बिकम एक्टिव अगेन. ठीक है. इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन द बीटल डाइस. ड्राई कंडीशन में जो है ये बीटल वो मर जाते हैं. ठीक है. और क्योंकि ये बीटल है तो इसकी लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट जो स्टेज है दैट इज गर्भ. ये इसके गर्भ जो है इसकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है और उसके बाद गर्भ कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में. ये जो है दिस इज गर्भ. ठीक है. और ये अब गर्भ इसकी स्टेज होती है तो ये डैमेज भी करता है. ठीक है. तो डैमेज जो है इसका कौन करता है सबसे ज़्यादा? गर्भ एंड अडल्ट बोथ. द गर्भ स्क्रैप द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द अडल्ट ईट द लीव्स इन ए सेमी सर्कुलर पैटर्न. ये जो है सेमी सर्कुलर पैटर्न में लीव्स को खा जाते हैं एंड द लीव्स टर्न ब्राउन एंड ड्राई एंड रिजल्ट इन कंप्लीट डिफोलिएशन ऑफ द प्लांट. प्लांट जो है डिफोलिएट हो जाता है यानी कि लीव्स उस पर बसते नहीं है, फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, जिसके कारण जो है प्लांट ड्राई अप हो जाता है. ठीक है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द अडल्ट एंड लार्वा. ठीक है. सबसे पहले हम इसके लिए कलेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय यही कर सकते हैं. सेकंड है इसमें द फील्ड शुड बी इरिगेटेड एट द टाइम ऑफ इन्फेस्टेशन. इरिगेशन शुड बी डन. और क्या कर सकते हैं? 0.02% मिथाइल पैराथियोन स्प्रे कैन कंट्रोल इट. मिथाइल पैराथियोन. और जो है 0.02% डायजाइनोन एंड 0.05% मेलाथियोन स्प्रे कैन कंट्रोल दिस पेस्ट. तो आज के लेक्चर में पेड़ों के लिए एक स्पेशल मैसेज है. खुद पेड़ काट कर छांव ढूंढ रहा है इंसान अपने लिए, आज आराम ढूंढ रहा है. वीरान करके हरियाली को महल तो बना लिए मगर आज अपनी सांसों के लिए ऑक्सीजन ढूंढ रहा है. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.